Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you all doing well. In this video I am going to talk about a beautiful flowering plant called Calliandra Haematocephala, which is commonly called as powder puff plant or fairy duster. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लांट के बारे में. दिस प्लांट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अमेरिका एंड द नेचर ऑफ दिस प्लांट इज पेरेनियल. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एवरग्रीन फ्लावरिंग श्रब होती है. तो ये आपके घर सालों साल ऐसी ही बनी रहेगी और आपको ऐसे ही ब्यूटीफुल से ये फ्लावर्स देगा. तो फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें इस प्लांट का जो बेस्ट ब्लूमिंग पीरियड होता है वो है स्प्रिंग और समर. इस समय आपके प्लांट में ब्लूमिंग बहुत अच्छे से होगी और न्यू ग्रोथ भी इस प्लांट में बहुत ही अच्छे से होती है, क्योंकि इस प्लांट को थोड़ी सी वार्मर क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती हैं वो बहुत पसंद है. और फ्रेंड्स अगर आपने इस प्लांट की थोड़ी केयर कर दी और इसे टाइम टू टाइम आपने इसको फर्टिलाइज कर दिया तो ये प्लांट आपको थ्रू आउट द ईयर भी ब्लूमिंग देगा. तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमें इस प्लांट की केयर कैसे करनी है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनलाइट की. तो फ्रेंड्स आपको इसे फुल सनलाइट में रखना है. अगर आपने इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखा तो आपके प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो भी बहुत अच्छे से होगी और इसके साथ साथ ब्लूमिंग भी बहुत अच्छे से होगी. और फ्रेंड्स जैसा कि आपको भी पता है ऐसी ब्यूटिफुल से जो वाइब्रेंट इसका कलर है इस के फ्लावर्स का, उसको बनाए रखने में भी सनलाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो इसलिए आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है. इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपको ऐसी जगह पे नहीं रख देना है जहाँ पे इसको बहुत ही कम सी सनलाइट मिल रही है, तो वहाँ पे इस प्लांट में ब्लूमिंग अच्छे से नहीं होगी. इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपको इसको फुल सनलाइट देनी है. और अब हम बात कर लें वाटरिंग की. चूँकि स्प्रिंग और समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है और इसमें ब्लूमिंग भी बहुत अच्छे से होती है उस टाइम पे, तो वाटरिंग भी आपको इस समय पर रेगुलरली करनी है. और जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया, अगर आपने अपने प्लांट की केयर थोड़े से अच्छे से करेंगे और आपने इसको फर्टिलाइजर्स अच्छे से दिया है तो आपका प्लांट थ्रू आउट द ईयर भी ब्लूमिंग देगा. तो आपके प्लांट में जब भी बर्ड्स आ रही हों या फिर आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ भी शुरू हो रही हो तो उस समय आपको पानी अपने प्लांट में रेगुलरली डालना है. बस विंटर में आपको इसमें अपना जो वाटरिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज कर देना है. आपको अपने इस प्लांट में पानी थोड़ा सा कम डालना है. इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा. और जब भी आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ हो या आपके प्लांट में न्यू बर्ड्स आ रही हो उस समय आप इसमें पानी रेगुलरली डालिएगा. इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा. चूँकि फ्रेंड मैं इसलिए थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि ब्लूमिंग के समय में पानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और किसी भी प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो फ्लावरिंग के समय पे बढ़ जाती है. तो आपको अपने प्लांट को किसी भी तरीके का शॉक नहीं देना है और वाटर जो होगा वो रेगुलरली डालना है ब्लूमिंग के टाइम में. बस डोरमेंसी, चूँकि विंटर इसका पीरियड होता है तो उस समय पे आपको इसमें पानी थोड़ा सा कम डालना है, चूँकि रेस्टिंग पीरियड में पानी है या फर्टिलाइजर्स होता है और ये सब चीज़ें आपको बहुत ही कम डालनी होती है. और कोशिश यही करिएगा कि विंटर चूँकि इसका भी डोरमेंसी पीरियड, तो उस समय आपको फर्टिलाइजर्स भी अपने इस प्लांट में बिल्कुल भी नहीं देना है. और अब हम बात कर लेते हैं सॉइल की. इसे वेल ड्रेन सी सॉइल पसंद है, उसके लिए आपको एक पोर्शन गार्डन सॉइल, एक पोर्शन आप सैंड ले लीजिए, एक ही पोर्शन आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और थोड़ी सी आप नीम खली ले लीजिए. ये बहुत ही अच्छा सा इसका पॉटिंग मिक्सचर बन जाएगा, उसमें आप अपने इस प्लांट को लगा दीजिए, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी. और फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने अभी अपने इस प्लांट में पानी डाला है और मेरे इस पॉट में किसी भी तरीके से आपको वाटर स्टैंड होता नहीं नज़र आ रहा है. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने इस प्लांट में पानी डालते हैं तो वाटर किसी भी तरीके से आपके पॉट में स्टैंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पॉट में वाटर स्टैंड करेगा तो आपके इस प्लांट की रूट्स जो होंगी वो रॉट हो जाएंगी. तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इस प्लांट को वेल ड्रेन वाली सॉइल पसंद है लेकिन सॉगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है. इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा. और फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की. तो आपको हर 15 to 20 डेज़ में अपने इस प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइजर्स जरूर डालना है. अगर आप अपने अदर प्लांट्स में डाल रहे हो तो इस प्लांट में भी ज़रूर डालिए. आप गोबर की खाद, जैसे मैं अपने हर प्लांट्स में साल में दो बार मैं गोबर की खाद ज़रूर डालती हूँ, तो वो मैं इस प्लांट में भी ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि वो इसकी ब्लूमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और इसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है. और अगर आपके पास DAP है तो वो भी आप 22
25 डेज में एक बार डीएपी अपने इस प्लांट में ज़रूर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने इस प्लांट को टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स दिया, तो आप फ्रेंड्स ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि मैं आपको ये बोल रही हूँ फर्टिलाइज़र डालना, इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्टिलाइज़र क्वांटिटी में बढ़ा के दे रहे हो। आपको इसमें इसकी ड्यूरेशन को रेगुलराइज करना है कि आपको इसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना है। और अब हम बात कर लेते हैं प्रोपोगेशन की। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है कटिंग के थ्रू बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है। आपको मैं जितनी ये कटिंग दिखा रही हूँ, इतनी से आप ये कटिंग ले लीजिए और किसी भी नॉर्मल सी गार्डन सॉइल में लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगी। और ये सीड्स के थ्रू भी बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। आप ये देख सकते हो मेरे इस प्लांट में ये फलियाँ आई हैं। मैं आपको थोड़ा और दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये तो पूरी फूट सी गई है। तो मेरे इस प्लांट में भी फलियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं। तो आप सीड्स से और कटिंग के थ्रू इस प्लांट को बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी स्टेम से आप प्रोपोगेट करना चाह रहे हो, तो हमेशा आपको जो वुडी स्टेम होगी वही ऑप्ट करना है कटिंग लगाने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं इसलिए वुडी स्टेम पे एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि उसमें सक्सेस जो या उसका जो सर्वाइवल होता है कटिंग का, वो ज़्यादा होता है आपका वुडी स्टेम का, और इन कंपैरिजन टू जो आपकी न्यू ग्रोथ होती है। तो न्यू ग्रोथ कभी भी मत ऑप्ट करिएगा कटिंग लगाने के लिए। कोशिश यही करिएगा कि जो थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी पुरानी वुडी सी स्टेम हो, वही ऑप्ट करिए आप अपने इस प्लांट को कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट करने के लिए। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रूनिंग की। चूँकि ये प्लांट, इसकी अगर हाइट की मैं बात करूँ तो 6 to 10 feet तक भी जा सकती है, या फिर इससे भी ज़्यादा इसकी हाइट जा सकती है। अगर आपने इसको ग्राउंड में लगाया हुआ है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्री का शेप भी ले लेता है। और अगर आप फ्रेंड्स इसको पॉट में लगाते हो तो वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छे से हो रही होती है। तो प्रूनिंग आपको अगर अपने प्लांट को मैनेज करना है, या फिर आपको इसका शेप कंट्रोल करना है, या एज़ पर योर विल आपको जो भी शेप पसंद हो आप देना चाह रहे हो अपने प्लांट को, तो आप इसकी प्रूनिंग स्प्रिंग में कर दीजिएगा। तो उस समय इस प्लांट में न्यू न्यू ग्रोथ भी निकलना शुरू हो जाएगी और आपका प्लांट एक तरीके से बहुत ही अच्छा सा बुशी लुक भी उसका हो जाएगा। तो जब भी आप प्रूनिंग करिएगा तो स्प्रिंग टाइम में ही कीजिएगा। तो उस समय चूंकि वो इसका ग्रोथ का पीरियड होता है, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है इस प्लांट की प्रूनिंग के लिए, या आपको इसका जो भी शेप कंट्रोल करना है तो वो आप इसी टाइम पीरियड में करिए। वो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं रिपॉटिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप साल भर में इसकी रिपॉटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो हर सेकंड ईयर में आपको इस प्लांट की रिपॉटिंग ज़रूर करनी है, और स्प्रिंग सीजन में आप इसकी रिपॉटिंग करिएगा। फ्रेंड्स, रिपॉटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है चूँकि इस प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो थोड़ा सा बाउंड हो जाती हैं। तो जब रूट्स बाउंड हो जाती हैं, तो चाहे आप जितना भी अपने प्लांट को फर्टिलाइजर्स दे दो या आप कितनी भी एक केयर कर लो, तो कई बार ऐसा होता है आपके प्लांट में ब्लूमिंग अच्छे से नहीं हो रही होती है। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके प्लांट की जो रूट्स होंगी वो बाउंड हो गई होंगी। तो इस वजह से आप इसकी स्प्रिंग सीजन में रिपॉटिंग ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड, जब आपके प्लांट की जो रूट्स बाउंड हो जाती हैं, तो उस प्लांट में न्यूट्रिएंट्स उसकी रूट्स तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर अपने आपको प्लांट को थोड़ा सा उसका जो ग्रोथ जो होती है वो अच्छे से हो सके और उसमें ऐसे ब्लूमिंग बहुत अच्छे से हो जाए, तो आप हर सेकेंड ईयर में अपने इस प्लांट की रिपॉटिंग ज़रूर करिए। और एज़ पर द साइज़ ऑफ योर प्लांट आप पॉट को ऑप्ट करिएगा। अगर आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा है और आपको बड़ा ही उसका शेप पसंद है, तो आप उसके लिए पॉट अकॉर्डिंगली अपने प्लांट के साइज़ के लिए ज़रूर लाइएगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आपका प्लांट बहुत बड़ा सा है और आपने पॉट बिल्कुल रिपॉटिंग के लिए भी आप फिर से पुराने से पॉट में आप कर ले रहे हो, कि अगर या तो फिर आपको साइज़ कंट्रोल करना बिल्कुल छोटा सा चाहिए तो आप फिर सेम ही पॉट में रिपॉटिंग कर दीजिए। लेकिन अगर आपको इस प्लांट की ग्रोथ को थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो रिपॉटिंग के लिए जब आप नेक्स्ट रिपॉटिंग करिए, तो जो पॉट करेंट का हो उससे आप साइज़ में एक साइज़ आप बड़ा ज़रूर रिपॉटिंग के लिए ऑप्ट करिएगा। तो वो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है और इस प्लांट में जो ब्लूमिंग होती है, और आपको ऐसे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा प्रोफ्यूज ब्लूमर है, इसमें ब्लूमिंग बहुत ही अच्छे से
होती है और हैवली लोडेड भी होता है। अगर आपने अपने प्लांट की केयर अच्छे से की, आपने सारा चीज़ें फर्टिलाइज अच्छे से करेंगे, आप उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए, आप इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग भी कर दीजिए स्प्रिंग सीजन में, अगर आप हर साल कर देते हो, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा सा बुशी सा और हैवली लोडेड रहेगा थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि अगर आप सिर्फ विंटर इसका डोमेंसी का पीरियड होता है, उस समय इसमें ब्लूमिंग जो होती है वो नहीं होती है, बाकी ये थ्रू आउट द ईयर आपके प्लांट में ब्लूमिंग बहुत अच्छे से होती है अगर आपने इसकी केयर अच्छे से की होती है। तो अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इस प्लांट में थोड़ा सा एफिड्स और मिली बग्स का अटैक होना कॉमन सी बात होती है, लेकिन आप मेरे इस प्लांट में देख रहे होंगे, मेरे प्लांट में आज तक इस तरीके का अटैक नहीं हुआ है। चूँकि मैं हर प्लांट में रेगुलरली नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, तो मैं इस प्लांट में भी हर 15 डेज पे नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपके भी प्लांट में इस तरीके का अटैक नहीं हुआ है, तो एज अ प्रिकॉशनरी भी आप अपने प्लांट को नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है वो ज़रूर करिएगा 15 to 20 days में, ताकि आप अपने प्लांट को किसी भी तरीके के ये एफिड्स और मिली बग्स के अटैक से बचा ले जाओ। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।